चलो देखो एक बार फिर से सुन लो, लिखना कि ये आठ क्लास का ही विज्ञान का है। पेज नंबर कितना है जी? धातु अधातु में है ना? यस सर। एक्सरसाइज क्या है? छप्पन। एक्सरसाइज चार। एक्सरसाइज है चार में धातु और अधातु। इसमें हम लोगों ने और बहुत बातें किए हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अधातु के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा कि धातु क्या है, उसका भौतिक गुण पढ़ा, रासायनिक गुण पढ़ा। अधातु के बारे में पढ़ा भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनका उपयोग, धातु का भी पढ़ लेते हैं। आज अधातु का उपयोग देख रहे हैं। तो अधातु के उपयोग में क्या लिखे हैं कि अधातुओं का उपयोग सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन से लेकर कृषि उद्योग आदि में व्यापक रूप से होता है। पृथ्वी के अवयव अर्थात भूपटी का 3/4 भाग अधातु, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का ही बना होता है। तो वही वायुमंडल CO2 तथा N2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मतलब वायुमंडल में प्रमुख रूप से अधातु की ही उपस्थिति होती है, जिनका अलग अलग महत्व होता है। जैसे CO2 का उपयोग होता है पेड़ पौधों के लिए, है ना, और पृथ्वी का वातावरण को मतलब कि गर्म रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि वो ग्लोबल वार्मिंग तो अलग चीज हो गया, ग्रीन हाउस हम कह सकते हैं, इसके ज्यादा मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, वो निगेटिव इफेक्ट है। N2 हो गया नाइट्रोजन, जिसका मतलब कि आप 78% वायुमंडल में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ऐसे पेड़ पौधे मतलब कि प्रोटीन के रूप में मतलब दलहनी पौधों के गांठों में ये होता है, तो इसका यही लिख दिया कि अलग अलग होता है उपयोग। जल H2O जो हमको एकदम मतलब हम लोग के लिए जीवन में लिए जरूरी है, उसमें भी देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। वही हम देख रहे हैं कि मिट्टी में फॉस्फोरस भी अहम भूमिका होती है, उपजाऊ अगर फॉस्फोरस नहीं हो तो उसका मैंने उपजाऊपन जो है कम हो जाता है। ईंधन के रूप में अगर LPG जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर में, जो गैस सिलेंडर में, उसमें नॉर्मल ब्यूटन आइसोब्यूटन का मिश्रण होता है वो जी, तो वो भी अधातुए है ना। वही हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन का है मिश्रण, है ना, जैसे उसी में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे पढ़ना है। प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ये ऑब्जेक्टिव में हर जगह पूछता है। जल गैस है ना, जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये भी पूछा गया है मेरा छात्रवृत्ति में भी। एवं कोल गैस मेथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप अधातु ही देख रहे हैं कि है, और इसका उपयोग हमको है दैनिक जीवन में। और इसके अलावा कुछ निम्नांकित हम अभी बिंदु लिखेंगे, 5, 6, 7, 8 बिंदु, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अधातु का प्रयोग कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, है ना। देखो वर्ग अष्टम में विज्ञान में हम लोग अधातु के उपयोग में बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी देखें। तो अभी और देखिए यहाँ पर हमने निम्नांकित बिंदुओं को लिखा है फिर से यौगिक के निर्माण में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनिया NH3, सिलिका SiO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl है। हाँ फॉर्मूला याद करना है ना, HCl बड़ा आदि के निर्माण अधातुओं से ही होती है, जिसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है। दूसरा है दवा के निर्माण में, फास्फोरस से चूहा मारने की विष मतलब जहर, गंधक से मलहम, सल्फा ड्रग से खाल सुखाने की दवा, क्लोरीन की टिकिया या गैस को प्रवाहित करके पानी को जो पीने वाला होता है उसको शुद्ध किया जाता है। थोड़ा सा हल्ला नहीं करो। और क्या देख रहे हैं कि टिंक्चर आयोडीन जो कटफट जाता है घाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें एल्कोहल आयोडीन मिला होता है। कोई जगह टिंक्चर आयोडीन किसका एक मिश्रण है, आयोडीन का उपयोग कटे फटे एवं घाव को साफ करने, ब्रोमीन का उपयोग कीटाणु नाशक तथा हाइपोफॉस्फाइट का उपयोग बलवर्धक दवा बनाने आदि में होता है। उद्योगों में धातुओं को काटने जोड़ने के लिए ऑक्सीहाइड्रोजन ऑक्सीएसिटिलीन, फोटोग्राफी उद्योग में सिल्वर आयोडाइड, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में ब्रोमीन, रबर के गंधकीकरण में गंधक का उपयोग, कांच के निर्माण में सिलिका, दिया सिलाई में लाल फास्फोरस एवं गंधक का इस्तेमाल किया जाता है ना। और हम बिंदुओं को देखेंगे, 2-4 बिंदु और हम लिखवाने वाले हैं। देखो चौथा हम अधातु के उपयोग में देख रहे हैं उर्वरक के रूप में, है ना, नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनियम नाइट्रेट
नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम सल्फेट NH4HALT2SO4, अमोनियम फॉस्फेट NH4HALT3, है ना, PO4 का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। आपसे कोई पूछेगा उर्वरक का कुछ सूत्र, तो आप अमोनियम सल्फेट का लिख सकते हैं NH4HALT2SO4, अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र आप लिख सकते हैं NH4HALT3PO4, याद रहेगा तब ना, इसीलिए यौगिक का हम सूत्र के साथ लिखवा रहे हैं। अल्लाह ने कहो नाइट्रोजन, आप यहाँ देख लो बार बार इसमें देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन चीज है, आखिर नाइट्रोजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन तो आखिर अधातु है, तो अधातु का उपयोग हुआ ना आखिर उर्वरक के रूप में, इसलिए लिखना पड़ा। तो वही कह रहा है कुछ फास्फोरस का भी यौगिक है जो आपको उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि वही फास्फोरस कुछ यौगिक है जैसे रॉक फॉस्फेट Ca3PO4HALT2, चूने का सुपर फॉस्फेट CaH2PO4HALT2, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट CaH2PO4HALT2, मोनो अमोनियम फॉस्फेट NH4H2PO4। मोनो का मतलब एक होता है, डाई मैंने दो और ट्रिपल बोल रहा है तीन के लिए, हाँ तीन इस्तेमाल हुआ है ना वो, ऐसे तो बगल में जैसे कि SO2 लिखता है कोई, तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO लिखते हैं, CO लिखता है तो कार्बन मोनो बोलता है, ये वाला मोनो का सब देख लीजिए। अब देखो विस्फोटकों के निर्माण में भी होता है, नाइट्रोग्लिसरीन और TNT नामक विस्फोटकों का निर्माण नाइट्रिक अम्ल से होता है, फास्फोरस से आतिशबाजी के समान जैसे पटाखा का समान अग्निबम आदि बनाने में किया जाता है, अभिक्रमक के रूप में नाइट्रोजन आयोडीन आदि का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में मतलब रॉकेट जो होता है जो अंतरिक्ष में जाता है लेकर के सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, चाहे अब युद्ध में भी इस्तेमाल हो रहा है रॉकेट उस तरह से हो रहा है ना, जेट विमान में भी, तो उस तरह की चीजें जो है जेट को प्रमोदित करने के लिए जो है ना आपको ऑक्सीजन द्रवीभूत का उपयोग किया जाता है, किरोसिन का भी यूज किया जाता है उसमें, रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेशन समझते ना हो ठंडा करने वाला AC जिसको हम कह रहे हैं भाषा में, उसमें अमोनिया द्रवित अमोनिया का उपयोग किया जाता है, इसी से ठंडक उत्पन्न होती है, समझा रही है बात। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि थोड़ा कहाँ कहाँ धातु का उपयोग, लग तो रहा है कि बहुत छोटा टॉपिक है धातु का उपयोग, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कंटेंट है, दीर्घ के रूप में हमने लिखवाया है। अब तुमको अति लघु पूछेगा तो एक लाइन में जवाब देना, लघु पूछेगा तो तुम उसको कंटेंट को खाली नाम लिख देना, दूसरों एक आधु उदाहरण दे देना, है ना, 7-8 लाइन में, और दीर्घ पूछेगा तो पूरा इतना लिखना है ना। तो इस तरह से हम लोग मतलब कि नोट्स का ये करते हैं बनाते।